जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों यहाँ पर Redmi का K58 डिवाइस के बारे में आप लोग जानते होंगे। इस डिवाइस के अंदर जो है यहाँ पर एक और न्यू अपडेट आज इंडिया में रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट आया है। आज से लगभग यहाँ पर 2 हफ्ते पहले भी एक अपडेट रिलीज हुआ था। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक न्यू अपडेट आया था, 4 या 5 अक्टूबर को, और उसके बाद अभी दोबारा एक न्यू अपडेट यहाँ पर रिलीज करा गया जिसका वर्जन 13.0.7.0। इसी अपडेट के बारे में जानने वाले कि इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है और यहाँ पर 5G के नेटवर्क की ऑप्टिमाइजेशन भी करी गई है, कौन सा सिक्योरिटी पैच है, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बस लास्ट तक वॉच करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर इस डिवाइस के रिगार्डिंग अपडेट्स की न्यूज़ मिलती रहेगी चैनल पर। तो चलिए अभी यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग बताऊँ, यहाँ पर जो Redmi K50 है ये काफ़ी बढ़िया फोन है यहाँ पर, और अभी जो इसके लिए यहाँ पर जो लास्ट अपडेट मिला था लोगों को 13.0.6.0, वो 800 MB का अपडेट यहाँ पर देखने को मिला था, 863 MB के आसपास का, और उसमें सितंबर का सिक्योरिटी पैच था, ठीक है। और अभी जो यहाँ पर 18 अक्टूबर को जो अपडेट रिलीज हुआ है उसके अंदर जो सिक्योरिटी पैच दिया गया है वो अक्टूबर 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। और वर्जन की बात करें तो MIUI 13.0.7.0 SLOINX ये पूरा स्टेबल वर्जन यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो अपडेट है ये बी पायलट्स के लिए यहाँ पर 18 तारीख को जो है रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 18 अक्टूबर को ये लेटेस्ट अपडेट आया है MIUI 13.0.7.0। कुछ मी पायलट यूजर्स को मिल चुका है और जल्दी जो है इसको 1 वीक बाद जो है पब्लिकली रोल आउट भी कर दिया जाएगा। और इसके अंदर एक और सबसे बड़ी चीज जो है वो चेंज करी गई है, वो है यहाँ पर 5G नेटवर्क की ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास Redmi K50i है ना, तो आपके इस डिवाइस के लिए यहाँ पर 5G के लिए जो है Xiaomi वालों ने सॉफ्टवेयर अपडेट देके जो है अनलॉक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर Jio 5G जो है इसके अंदर चलने लग जाएगा, क्योंकि देखिए Airtel और VIL जो है वो NSA के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर गया, यानी कि वो 4G टावर्स को ही जो है यहाँ पर थोड़ा बूस्ट कर देंगे 5G के अंदर, बट आपको रियल वाली जो 5G की जो स्पीड है ना वो आपको सिर्फ Jio ही दे पाएगा अभी के टाइम में। तो Jio True 5G के लिए जो है यहाँ पर ये अपडेट दिया जा रहा है जिसमें जो है Redmi K50i को अपडेट देके इसको अनलॉक कर दिया गया, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है यहाँ पर। यानी कि आप दिल्ली, वाराणसी और कोलकाता मुंबई में रहते हैं तो वहाँ पर चेक कर लेना, उसमें अगर आ जाता है तो Jio चलने लग जाती है, Jio 5G दिखाने लग जाता है। तो क्योंकि इस अपडेट के अंदर जो है यहाँ पर इस चीज़ को जो है अनलॉक कर दिया गया, यानी 5G के नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन बढ़ा दी गई है इस अपडेट के अंदर, और साफ साफ लिखा हुआ है कि 5G की जो है वो है जो नेटवर्क जो है ऑप्टिमाइज करा गया है, जिससे आप स्क्रीन शॉट देख सकते हैं। और अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच है और कुछ भी यहाँ पर खास चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। और अपडेट का साइज भी जस्ट यहाँ पर 93 MB का देखने को मिलता है, तो 100 MB से नीचे का ही अपडेट साइज है, बस सिक्योरिटी पैच है और इसमें 5G नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करा गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर आपके पास ये डिवाइस है तो चेक कर लीजिए और अपडेट कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपको जो 5G को जो है अपडेट करने का फीचर दिया गया, यानी 5G जो है अनलॉक कर दिया गया इस डिवाइस के अंदर, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं जब भी आपके डिवाइस में अपडेट शो करे। अगर आपके डिवाइस में अभी अपडेट शो नहीं कर रहा है तो 1 वीक का वेट कर लीजिए, आपके डिवाइस में जल्दी अपडेट यहाँ पर शो कर देगा। और बस इतना था इस वीडियो के अंदर। आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर ऐसी वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।